एग्जाम्पल 48 है एनसीईआरटी का। प्रूव दैट रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट सीएसए। एक सिलेंडर है जिसका सीएसए ग्रेटेस्ट है, मतलब सीएसए को हमें मैक्सिमम दिखाना है। विच कैन बी इंस्क्राइब इन ए गिवन कोन इज हाफ ऑफ दैट कोन। रेडियस ऑफ सिलेंडर हाफ ऑफ दैट ऑफ कोन, कोन के रेडियस का हाफ है, ये हमें प्रूव करना है। तो फिगर बना लेते हैं। एक कोन है, उसके अंदर ये एक सिलेंडर बना लेते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, जो सिलेंडर की कोन की हाइट है वो कैपिटल एच, मैं फिगर में लिख रहा हूँ, आप वैसे लिख सकते हो। कोन की हाइट, सिलेंडर की हाइट को स्मॉल एच ले लेते हैं, इसकी रेडियस को स्मॉल आर और कोन की रेडियस को कैपिटल आर। कोन हमें गिवन है, तो गिवन कोन का मतलब है कोन की डायमेंशन हमारी फिक्स है। तो अब देखो, आप सी एस से ऑफ सिलेंडर को हमें ग्रेटेस्ट करना है, तो सी एस ऑफ सिलेंडर कितना होता है? सी एस ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। यहां पे दो वेरिएबल हैं, तो एक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है ट्राइंगल ए सी डी के, ए ए क्राइटेरिया से, क्योंकि एंगल ए कॉमन है और ये 90 है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स के रेशियो ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी ई अपॉन सी डी होगा। तो ए बी की जगह लिख सकते हैं हम कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ए सी की जगह कैपिटल एच, बी की जगह स्मॉल आर और सी डी की जगह कैपिटल आर। यहां से हम स्मॉल आर की वैल्यू निकाल रहे हैं, और इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास एक वेरिएबल बन जाएगा 2 पाई आर की जगह। तो ये हमारा जो फंक्शन बना है, इसमें वेरिएबल क्या है? इसमें है वेरिएबल स्मॉल एच, क्योंकि कैपिटल एच और कैपिटल आर कोन के हैं, वो फिक्स है हमारे पास। तो 2 पाई आर अपॉन एच, ये हमारा फंक्शन बन गया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और 0 के इक्वल रख के मैक्सिमा दिखाएंगे। तो ये डेरिवेटिव कर देते हैं, कैपिटल एच आ गया माइनस 2h, फिर 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा, थोड़ा सा यहीं पे कर देता हूँ ताकि इतना स्क्रीन पे नजर आता रहे। ए डैश एच इक्वल टू 0। तो यहां से हमें एक रिजल्ट मिल गया, एच माइनस 2h इक्वल टू 0, यानी स्मॉल एच इक्वल टू एच इक्वल टू 2h। तो यहां पे ऐसे भी आ सकता था कि जो सिलेंडर की हाइट है वो कोन की हाइट का हाफ है, ये प्रूव करो, तो ये भी प्रूव हो जाता, लेकिन हमें रेडियस को दिखाना है, तो वो रेडियस का भी कर देंगे आराम से। पहले सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, तो ए डबल डैश एच 2 पाई आर तो बाहर है ही, और अंदर माइनस 2 आ गया, लेस देन 0 का मतलब मैक्सिमा।
अब ये कैपिटल एच की वैल्यू 2h हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, इसके अंदर। तो यहां से हमारा आर कितना आ जाएगा, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन टू, यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था कि रेडियस ऑफ सिलेंडर हाफ रेडियस ऑफ कोन।